महाराजा का 166 करोड़ का नेकलेस, 17 करोड़ का डिनर सेट और रखता था 365 रानियां। आपको बताएंगे ऐसे महाराजा से, तो बन रही है इस वीडियो के साथ। पंजाब का इतिहास अपने आप में कई अनूठे किस्से समेटे हुए है। पटियाला के राजघराने की बात करें तो पंजाब के महाराजा भूपेंद्र सिंह की शान और शौकत के चर्चे एक जमाने में पूरी दुनिया में हुआ करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक उनके पास 166 करोड़ रुपए की लागत से बना नेकलेस था जिसमें 2930 हीरे जड़े हुए थे। इसके अलावा जिस डिनर सेट में वह खाना खाते थे उसकी कीमत 17 करोड़ के रुपए बताई जाती थी। यहां आपको यह भी बता दें कि महाराजा की 10 अधिकृत रानियों समेत कुल 365 रानियां थीं। इन रानियों की सुख सुविधा का महाराजा पूरा ख्याल रखते थे। दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा के मुताबिक महाराजा भूपिंदर सिंह की 10 रानियों से 83 बच्चे हुए जिनमें 53 ही जी पाए थे। महाराजा कैसे अपनी 365 रानियों को संतुष्ट रखते थे इसे लेकर इतिहास में किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि महाराजा पटियाला के महल में रोजाना 365 लालटेने जलाई जाती थी जिस पर उनकी 365 रानियों में से हर रानी का हर लालटेन पर नाम लिखा होता। जो लालटेन सुबह पहले बुझती थी महाराजा उस लालटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे और फिर उसी के साथ रात गुजारते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह का डिनर सेट चांदी की परत चढ़ा हुआ था। इस डिनर सेट में 1400 पीस थे। हालांकि यह सिर्फ डिनर सेट अब लंदन में 19.6 लाख पौंड यानी कि करीब 17 करोड़ में नीलाम हो चुका है। लंदन के क्रिस्टी नीलामी घर के मुताबिक यह डिनर सेट एक अज्ञात आदमी से 2013 में खरीदा गया था। महाराजा ने इस डिनर सेट को लंदन की कंपनी गोल्ड स्मिथ्स एंड सिल्वर स्मिथ्स कंपनी से बनवाया था। उनकी संपत्ति और वैभव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपना खुद का विमान रखने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। आज़ादी से पहले भारत के राजघराने अपनी शानो शौकत और महंगे शौक के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। पंजाब के पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह का राजघराना भी इनमें से एक था। उनके पास 2930 हीरो वाला नेकलेस था जिसमें दुनिया का सातवां सबसे बड़ा हीरा जड़ा था। इस नेकलेस का वजन लगभग 1000 कैरेट का था। इस नेकलेस की कुल कीमत 166 करोड़ थी। इस नेकलेस में 2930 हीरो के अलावा इसमें ग्रहों की दिशा व दशा ठीक करने के लिए 23 रत्न जड़े हुए थे जिनमें 18 कैरेट के 2 रूबी शामिल हैं। इतिहासकारों के मुताबिक पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह साल 1926 में आभूषण खरीदने के लिए पेरिस गए थे। वहां उन्होंने कीमती नग, हीरों और आभूषणों से भरा पेरिस की ज्वेलरी बनाने वाली वर्ल्ड फेमस कंपनी कार्टियर को भेजा। उन्होंने कंपनी को एक अनूठा नेकलेस तैयार करने को कहा था। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद यह नेकलेस चोरी हो गया था। इसे तोड़कर अलग अलग हिस्सों में बेच दिया गया था। नेकलेस में प्लेटिनम की चेन्स बची हुई थी सिर्फ। यह चेन्स 1994 में कार्टर कंपनी के अधिकारी एरिक नासबॉम को लंदन के एंटीक स्टोर में मिली थी। कार्टर कंपनी ने इस चेन्स को खरीदा और इस नेकलेस को दोबारा से बनाना शुरू किया। हालांकि इस बार हीरे को रिप्लेस करने के लिए सफायर और टोपाज का इस्तेमाल किया गया लेकिन यह एक्सपेरिमेंट फेल रहा। आखिरी बार इस नेकलेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता महाराजा यादवीर सिंह ने पहना था। आपको बता दें कि ये कौन थे महाराजा। महाराजा भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को पटियाला के मोतीबाग में हुआ था। वह महाराजा राजेंद्र सिंह के पुत्र थे। वर्ष 1900 में पिता की मौत के बाद भूपेंद्र सिंह को राज्य का दायित्व मिला था जिसे वर्ष 1909 में औपचारिक तौर पर भूपेंद्र सिंह ने संभाला था। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप जियो वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए।